हेलो गाइस, मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गौसम में। अली गोनी ने कैबिनेट से बाहर आते ही राहुल वेदिया से कर ली है लड़ाई। क्या है ये पूरा मामला, मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत ही ज्यादा मजेदार है, मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गाइस, घर के अंदर लड़ाइयां होनी तो लाजमी हैं, और लड़ाइयां नहीं होंगी तो हमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, बिग बॉस की टीआरपी नहीं बढ़ेगी। पर हालांकि घर के अंदर ज्यादा जो मुद्दे हैं वो उठाए नहीं जा रहे हैं, जिसके कारण अली गोनी ने एक छोटी सी मजाक की है। इसको हम लोग लड़ाई नहीं बोलेंगे, पर लड़ाई का एक कारण जरूर बोलेंगे, जहां पर मस्ती मजाक में लड़ाई तो जरूर हुई है। राहुल वेदिया जो है वो एक्चुअली में पानी भर रहे होते हैं और वो जो स्विच होता है उसको ऑफ करना भूल जाते हैं, जिसको एक्चुअली में अली गोनी देख लेते हैं। अली गोनी बोलते हैं कि तूने स्विच ऑफ नहीं किया, फिर दोबारा से राहुल जाते हैं स्विच ऑफ कर देते हैं और उसके बाद उसको बोलते हैं सॉरी। पर वहां पर वो सॉरी नहीं लेना है अली गोनी को, इसीलिए उसके पास जाके मुंह के पास जाके बोलते हैं कि तूने क्यों नहीं किया था, पहले ही क्यों नहीं किया, पहले मैंने तुझे बोला तब तूने किया। वहां पर वो एक दूसरे के मुंह पे आके चढ़ के बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हैं और हंसते हंसते वो चले जाते हैं। वहां पर ये तो मस्ती की लड़ाई थी, पर असली की तो लड़ाई नहीं हुई है। पर क्या ये छोटे बड़े मुद्दों पे लड़ाई करना लाजमी होता है? पर वहां पर कोशिश की गई, पर लड़ाई इतनी ज्यादा ड्रैग नहीं की गई, जहां पर अली गोनी ने राहुल वेदिया को ये चीज बोला कि तू मेरा एक टफ जो है कॉम्पिटिशन हो सकता है इन फ्यूचर। काफी ज्यादा मजेदार अपडेट है, आप लोगों को भी मजा आया होगा। क्या आप लोग देखना चाहते हैं सच में इन दोनों की लड़ाई इन फ्यूचर? अगर हाँ तो जरूर कीजिए कमेंट। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।